दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ ऐसी रहस्यमय बातें जिससे आज तक दुनिया अनजान है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे योगी जी का असली नाम क्या है, योगी जी का घर कहाँ है, इन्होंने कितनी पढ़ाई लिखाई की है और कहाँ से, योगी जी की शादी हुई थी या नहीं, योगी जी के माँ बाप कौन हैं, इनके परिवार में कौन कौन है, क्या योगी जी को कभी किसी से प्रेम हुआ था, योगी जी राजनीति में कैसे आए और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, योगी जी कितने भाई बहन हैं, और दोस्तों ऐसी बहुत सी बातें जिससे दुनिया आज तक अनजान है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं विकिपीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक योगी जी की पूरी बायोग्राफी, इनका पूरा जीवन चरित्र, पूरा इतिहास। दोस्तों योगी आदित्यनाथ का मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। जी हाँ दोस्तों, अजय सिंह बिष्ट गोरखपुर की प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत तथा राजनेता हैं एवं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों इन्होंने 19 मार्च 2017 को प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद यहां के 21वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दोस्तों योगी जी 1998 से 2017 तक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए और 2014 लोकसभा चुनाव में भी यहीं से सांसद चुने गए थे। दोस्तों योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी हैं। दोस्तों योगी जी हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू युवा वाहिनी के भी संस्थापक हैं तथा इनकी छवि एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता की है। दोस्तों 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचूर गांव के एक गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट है जो कि एक फॉरेस्ट रेंजर थे और इनकी माता का नाम सावित्री देवी है। दोस्तों 20 अप्रैल 2020 को इनके पिता आनंद सिंह बिष्ट की देहांत हो गई थी। अपने माता पिता के 7 बच्चों में 3 बड़ी बहनों व 1 बड़े भाई के बाद ये 5वें संतान हैं। दोस्तों इनसे और 2 छोटे भाई हैं। इन्होंने 1977 में टिहरी के गाजा के स्थानीय स्कूल में पढ़ाई शुरू की व 1987 में यहां से 10वीं की परीक्षा पास की। और दोस्तों सन 1989 में ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। और दोस्तों 1990 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। 1992 में श्रीनगर के हेमोदी नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से इन्होंने गणित में बीएससी की परीक्षा पास की। जहां दोस्तों बीएससी की परीक्षा पास की। कोटद्वार में रहने के दौरान इनके कमरे से सामान चोरी हो गया था जिसमें इनके सनद प्रमाण पत्र भी थे। दोस्तों इस कारण से गोरखपुर से विज्ञान स्नातकोत्तर करने का इनका प्रयास असफल रह गया। इसके बाद इन्होंने ऋषिकेश में पुनः विज्ञान स्नातकोत्तर में प्रवेश लिया तो लेकिन राम मंदिर आंदोलन का प्रभाव और प्रवेश को लेकर परेशानी से इनका ध्यान अन्य ओर बट गया। दोस्तों 1993 में गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान गुरु गोरखनाथ पर शोध करने ये गोरखपुर आए एवं गोरखपुर में अपने चाचा महंत अवैधनाथ के शरण में ही चले गए और दीक्षा ली। दोस्तों 1994 में ये पूर्ण सन्यासी बन गए जिसके बाद इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया।
दोस्तों 12 सितंबर 2014 को गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के निधन के बाद इन्हें यहाँ का महंत बनाया गया। 2 दिन बाद इन्हें नाथ पंथ के पारंपरिक अनुष्ठान के अनुसार मंदिर का पीठाधीश्वर बनाया गया। तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं इनके राजनैतिक जीवन के बारे में। दोस्तों सबसे पहले 1998 में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े और जीत गए। तब इनकी उम्र महज 26 वर्ष थी। वे 12वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद थे। दोस्तों 1999 में ये गोरखपुर से पुनः सांसद चुने गए और अप्रैल 2002 में इन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बनाई। 2004 में तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीते और दोस्तों 2009 में ये 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतकर लोकसभा पहुँचे। 2014 में 5वीं बार एक बार फिर से 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतकर ये सांसद चुने गए और दोस्तों फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिला। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इसमें योगी आदित्यनाथ से काफ़ी प्रचार कराया गया लेकिन परिणाम निराशाजनक रहा। दोस्तों 2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने योगी आदित्यनाथ से पूरे राज्य में प्रचार कराया। इन्हें एक हेलीकॉप्टर भी दिया गया। 19 मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुनकर मुख्यमंत्री पद सौंप दिया गया। दोस्तों योगी आदित्यनाथ के भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ता 1 दशक से पुराना है। वह पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। इससे पहले इनके पूर्वाधिकारी तथा गोरखनाथ मठ के पूर्व महंत महंत अवैधनाथ भी भारतीय जनता पार्टी से 1991 तथा 1996 का लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। दोस्तों योगी आदित्यनाथ सबसे पहले 1998 में गोरखपुर से चुनाव भाजपा प्रत्याशी के तौर पर लड़े और तब इन्होंने बहुत सी कम अंतर से जीत दर्ज की लेकिन उसके बाद हर चुनाव में इनका जीत का अंतर बढ़ता गया और वे 1999, 2004, 2009 तथा 2014 में सांसद चुने गए। इन्होंने अप्रैल 2002 में हिंदू युवा वाहिनी बनाई। दोस्तों 7 सितंबर 2008 को योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में जानलेवा हमला हुआ था। इस हमले में ये बाल बाल बचे। यह हमला इतना बड़ा था कि 100 से भी अधिक वाहनों को हमलावरों ने घेर लिया और लोगों को लहूलुहान कर दिया। आदित्यनाथ को गोरखपुर दंगों के दौरान तब गिरफ्तार किया गया जब मुस्लिम त्यौहार मुहर्रम के दौरान फायरिंग में एक हिंदू युवा की जान चली गई। दोस्तों जिलाधिकारी ने बताया कि वह बुरी तरह से जख्मी है। तब अधिकारियों ने योगी को उस जगह जाने से मना कर दिया परंतु आदित्यनाथ उस जगह पर जाने को अड़ गए। तब उन्होंने शहर से कर्फ्यू हटाने की मांग की। दोस्तों अगले दिन उन्होंने शहर के मध्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने की घोषणा की लेकिन जिलाधिकारी ने इसकी अनुमति देने से मना कर दिया। लेकिन दोस्तों आदित्यनाथ भी इसकी चिंता नहीं किए, हजारों समर्थकों के साथ अपनी गिरफ्तारी दे दी। आदित्यनाथ को CRPF की धारा 151A, 146, 147, 179, 506 के तहत जेल भेज दिया गया। उन पर कार्रवाई का असर हुआ कि मुंबई गोरखपुर गोदान एक्सप्रेस से कुछ डिब्बे फूंक दिए गए जिसका आरोप उनके संगठन हिंदू युवा वाहिनी पर लगा। दोस्तों यह दंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों और 3 मंडलों में भी फैल गए। उनकी गिरफ्तारी के अगले दिन जिलाधिकारी हरिओम और पुलिस प्रमुख राजा श्रीवास्तव का तबादला हो गया।
कथित रूप से आदित्यनाथ के ही दबाव के कारण मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश सरकार को यह कार्यवाही करनी पड़ी। दोस्तों, योगी धर्मांतरण के खिलाफ और घर वापसी के लिए काफी चर्चा में रहे। 2005 में योगी आदित्यनाथ ने कथित तौर पर 1800 ईसाइयों का शुद्धिकरण कर हिंदू धर्म में शामिल कराया। ईसाइयों के इस शुद्धिकरण का काम उत्तर प्रदेश के एटा जिले में किया गया था। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने रविवार 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ समारोह लखनऊ के काशीराम स्मृति उपवन में हुआ। इनके साथ दो उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार दो उप मुख्यमंत्री बने। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। मंच पर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह भी मौजूद रहे। दोस्तों, क्या फिर से यूपी में योगी आ सकते हैं या नहीं, इसका तो अभी कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या फिर से यूपी में योगी की सरकार बननी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के जीवन का ये इतिहास, इनकी ये पूरी कहानी जानकर आपको कैसा लगा, आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और वीडियो को लोगों तक शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। बाकी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी तब तक के लिए आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।